कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है कि बीजेपी की फूट सामने आ रही है। बकायदा आपको टैग करके उन्होंने कहा कि अनिल विज जैसे जो नेता है उनको दरकिनार कर दिया गया, दो बार मंत्रिमंडल में रहे, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए, चुनाव हैं वो अपने बारे में सोचें। जहाँ तक मेरी बात है, हरियाणा में मेरी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता, और मैं नियमित उसी दिन से काम कर रहा हूँ। ये समय समय पर राजनीति में कार्यक्षेत्र बदलते रहते हैं, और अब मेरा कार्यक्षेत्र है कि जो अम्बाला छावनी विधानसभा है, मैं वहाँ का विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है, और अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उसी दिन से काम कर रहा हूँ, मीटिंगें भी ले रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, और सारी गतिविधियाँ मैं चला रहा हूँ। साहब, 2 बार छुला में लोकसभा की मीटिंग हुई, गुड़गांव में हुई, आप मीटिंग में नहीं पहुंचे, नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब मेरा कार्यक्षेत्र जो है, मैं एक विधायक हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ये मीटिंगों में तो बड़े बड़े लोग जाया करते हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। अब इसलिए मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम काम कर रहे हैं। अब बंतो जी मेरे से मिली थी, तो वो लोकसभा का उनको टिकट मिली है, लेकिन हमारे लिए ये कोई महत्व नहीं रखता टिकट किसको मिली है। हम ये मानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी को हमने 400 सीटें दिलाकर उसको एक जो उन्होंने टारगेट रखा है वो पूरा करना है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि पूरी ताकत लगाएंगे कि अम्बाला छावनी से कमल का फूल पूरी ताकत के साथ खिलेगा।